बड़ी खबर लेके हम किशनगंज से जुड़े हैं स्मार्ट टाइम्स न्यूज पर। सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूँ आपको आकाश, देख सकते हैं हमारे टेलीविजन के स्क्रीन पर कि आज हम ऐसे भी मदरसा से अवगत करा रहे हैं जहाँ बिहार सरकार नीति सरकार जो गुणवत्ता शिक्षा पर काम करती है, ये मदरसा बरलूम मदर नुरुलूम मदरसा जहाँ पर लगातार जो है सरकार की जो व्यवस्था पर बात हो रही है, जहाँ तक मैं लगातार जो है दिखा रहा हूँ आपको, 2017 में भीषण बाढ़ से ये तबाह हुआ था। ये मदरसा को लेकर के सरकार की व्यवस्था थी कि सारे स्कूलों को व्यवस्था पूर्ण रूप से ठीक कर दिया जाएगा। आपको मैं दिखा सकता हूँ टेलीविजन के स्क्रीन पर, देखिए सरकार की ऐसी व्यवस्था कहाँ, देखिए कैसे डगमगाया हुआ है। स्मार्ट टाइम्स के सबसे बड़े खबर पर मैं दिखा रहा हूँ आपको सरकार अपनी व्यवस्थाओं पर कैसे कर रही है काम। जी बिल्कुल, मैं लगातार जो है यहाँ ऐसे शिक्षा व्यवस्था पर काम करते हुए दिखा रहा हूँ कि सरकार क्या कुछ नीति लेके चल रही है। ऐसे में मदरसाओं की हालत देखिए, खास करके सरकार एक तरफ गुणवत्ता विकास के नाम पर ढिंढोरा पीट रहा था, ऐसे में सबसे बड़ी सच है ये, देख सकते हैं आप टेलीविजन के स्क्रीन पर स्मार्ट टाइम्स का सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या कुछ सरकार अपनी व्यवस्थाओं पर कर रही है काम। ऐसे में देखिए कैसे क्लासरूम्स की हालत है, देखिए सरकार अपनी व्यवस्थाओं पर, ऐसे में सरकार लाखों रुपए शिक्षा व्यवस्था पर बोल रहे खर्च की जाती है, ये आप देख सकते हैं हमारे न्यूज के माध्यम से। सरकार जो है व्यवस्था पर कैसे खर्च कर रही है सबसे बड़ी सच मैं आपको स्मार्ट टाइम्स पर दिखा रहा हूँ, सरकार क्यों ऐसे में ढिंढोरा पिट रही है। बिल्कुल सबसे सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं सरकार जो अपनी व्यवस्थाओं पर काम कर रही थी वो बिल्कुल 2017 में जो तबाह हुआ था, लोग जो मदरसा की जो नुकसान हुई थी वो अभी भी वो हालत और वो तस्वीरें अभी तक नहीं बदला है, जैसे का वैसी है। धरातल स्तर पर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आखिर ऐसे में सरकार अपनी व्यवस्थाओं पर लेकर लगातार जो प्रहार कर रही थी सरकार की व्यवस्था वो आप देख सकते हैं क्या कुछ चल रहा है। ऐसे में मदरसा की जो हालत है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए अभी भी वैसे का वैसे दीवारें हैं, लगभग यहाँ शिक्षक हैं बैठे हुए। जी बिल्कुल, मदरसा कितने बजे चलती है? 9 बजे 10 बजे से लेकर के 4 बजे 10 से 4 अभी एग्जाम्स का माहौल है, आप देख सकते हैं बच्चियाँ एग्जाम्स दे रही हैं। ये जो है 8 क्लास की मदरसा बोर्ड जो 8 क्लास है वो बच्चों का एग्जाम होता है, ये फोकानिया एग्जाम कहा जाता है, सॉरी वस्तानिया एग्जाम। जी बिल्कुल, 2017 जो भीषण बाढ़ में मदरसा में पानी कितनी थी, इसमें जो पानी पता चला था जो था काफी पूरा डूबा हुआ। जी बिल्कुल आकाश मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मदरसा के जो प्रिंसिपल है उनसे मैं बात करके आपको इनकी जानकारी पूरी जो है मैं दिखा रहा हूँ। जी सबसे बड़ी खबर मैं स्मार्ट टाइम्स पर दे रहा हूँ इस वक्त, जो किस तरह सरकार अपनी व्यवस्थाओं पर काम कर रही है, जहाँ नीतीश सरकार भले ही गुणवत्ता शिक्षा पर काम कर रहा हो, सबसे बड़ी सच यही है कि गुणवत्ता शिक्षा का जो व्यवस्था हाल है वो आप देख सकते हैं खस्ता हालत में हो चुका है। क्या सबसे बड़ी सरकार की चुनौती बन रही है, सरकार ऐसे में अपने व्यवस्थाओं को नहीं बदलने को लेकर सरकार की ये हालत, ये जो गुणवत्ता हाल है पूरा फेल दिख रहा है। ऐसे में नीतीश सरकार भले ही सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता हो, सबसे बड़ी सच तो यही है कि आज शिक्षा व्यवस्था को देखें, जहां मदरसा की हालत है वो अभी खस्ते हालत में है। लोग भले ही कहता हो कि नीतीश सरकार अपने विकास के नाम पर ढिंढोरा पिट रहा था वो बिल्कुल फेल दिख रहा है। चलिए हेड मौलवी साहब से हम रूबरू होते हैं सीधे, मदरसा की जो हालत है ये पोजीशन कब से पड़ा हुआ है? सलाब जो हुआ ना बड़ा सलाब 17 के बाढ़ में जो तबाह हुआ है उसके बाद सरकार को जू का तो पड़ा हुआ है और क्या बाउंड्री सामने में वो भी खत्म हो गया है, सामने में जो है शौचालय वगैरह सब मतलब खत्म हुआ, अभी तक कोई हर आदमी आता है आश्वासन देके चले आता है। जी सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि आश्वासन देके चले आते हैं। सबसे बड़ी खबर हम लेके जुड़े हुए थे किशनगंज से संवाददाता मिनहाज आलम।